हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का टुडे टॉक के इस वीडियो में। फाइनली दोस्तों, राजस्थान वन रक्षक वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2020 की जो भर्ती है इसका सिलेबस जारी हो चुका है। दोस्तों, आपकी लिखित परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम आ चुका है। लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि सर पाठ्यक्रम कब आएगा। हालांकि मैंने पाठ्यक्रम पर पहले ही आपको वीडियो बनाकर बता दिया था कि सिलेबस में कोई चेंज नहीं होने वाला है। आप लास्ट वैकेंसी का जो सिलेबस है उसी को ध्यान से पढ़िए, उसी की तैयारी आप शुरू कर दीजिए। आपके सिलेबस में कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा। हालांकि मैंने उस वीडियो में कहा था कि 5% चेंज आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये बात आपको पहले ही बता दी, और मैंने आपको राजस्थान भूगोल कंप्लीट भी करवा दी है मेरे चैनल पर। आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम राजस्थान वन रक्षक वनपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, और हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है वो भी पूरी तरह से राजस्थान वन रक्षक वनपाल भर्ती के लिए समर्पित है। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप ज़रूर ज्वाइन करें। अब देखिए, यहाँ हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं लिखित परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम के बारे में। आपको बता देता हूं एक बार फिर से। देखिए, वनपाल का जो एग्जाम होगा उसमें 100 नंबर का आपका 100 अंक का पेपर आने वाला है। इसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। काफ़ी लोगों ने बोला था कि सर पेपर 120 क्वेश्चन का आएगा, आप 100 का कैसे बता रहे हो। लेकिन वही हुआ जो मैंने आपको बताया था, वन रक्षक के अंदर भी 100 अंक का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। अब काफ़ी लोगों को इस बात को लेकर डाउट था कि सर वनपाल वन रक्षक का जो सिलेबस है वो सेम रहेगा क्या, और क्या एग्ज़ाम एक साथ होगा। तो मैंने आपको बताया था एग्ज़ाम एक साथ नहीं होगा, आपको अलग अलग एग्ज़ाम देना पड़ेगा और सिलेबस भी अलग अलग होगा। क्योंकि ये जो वनपाल की भर्ती थी ये 12वीं पास लोगों के लिए थी और वन रक्षक की 10वीं पास लोगों के लिए ये भर्ती थी। अब देखिए सिलेबस में क्या बोला है इन लोगों ने, प्रश्न पत्र जो है वो आपका बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाला है, यानी सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और सभी प्रश्नों के अंक जो है वो समान होंगे। अब यहाँ देखिए नेगेटिव मार्किंग आपको दे रखी है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इस बार इसमें रहेगी। और आगे इसमें दे रखा है 5 गुने तक निर्धारित है, यानी जो रिक्तियां हैं उसकी जो संख्या है उसमें अभ्यर्थियों को जो पास किया जाएगा उसके बारे में लिखा है कि 5 गुने तक निर्बाधित होगी। उसके बाद में आगे इसमें लिखा है शारीरिक दक्षता परीक्षा ट्रेंड परीक्षण के लिए उस प्रवर्ग विशेष की संक्षिप्त सूची में रखे गए अंतिम अभ्यर्थी के समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को शारीरिक उपयुक्तता और शारीरिक दक्षता परीक्षण ट्रेंड परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आगे हम डिस्कशन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें बताई हुई है। लेकिन थोड़ा सा पहले आपको पाठ्यक्रम के बारे में भी बता देता हूँ। देखिए, वनपाल की भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 2015 के नियम 27 और अनुसूची 4 के अनुसार नियमानुसार है। देखिए, पहले जो सिलेबस था ना आपका लास्ट वैकेंसी का, वो सेम रखा गया है। इसमें क्या लिखा है, राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ सीनियर सेकेंडरी स्तर के सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिकी विषय आदि समाविष्ट हो पर वस्तु प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, सीनियर सेकेंडरी लेवल उच्च माध्यमिक स्तर यानी 12वीं कक्षा के स्तर का आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जो भी सवाल पूछा जाएगा। और देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लिखा है राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ, यानी राजस्थान का जो जीके है वो ज़्यादा रहेगा, लेकिन इंडिया जीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी भारतीय इतिहास, भूगोल, जो आपका राजनीति विज्ञान है यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो इस बात को आप बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि सामाजिक अध्ययन जो दे रखा है इसमें आपका राजनीति विज्ञान शामिल हो जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान और इंडिया दोनों के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बाद में लिखा है समसामयिकी भी आपसे पूछी जाएगी, मतलब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। अब टॉपिक वाइज अगर आपको सिलेबस देखना है तो मैंने एक वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से देख लेना। बाकी आप लोग आप कहोगे कमेंट बॉक्स में तो आपके लिए मैं एक टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सिलेबस पर वीडियो लेकर आ जाऊँगा, आप ज़रूर कमेंट करना इस बात को लेकर। आगे दोस्तों, इसमें वन रक्षक की भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम बता रखा है राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 2015 के नियम 27 और अनुसूची 4 के अनुसार नियमानुसार है, यानी वन रक्षक का भी सेम रहेगा लास्ट वैकेंसी की तरह। इसमें राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान है, गणित है, सामाजिक अध्ययन है, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला,
समसामयिक की विषय समाविष्ट है, ठीक है, और सभी प्रश्न वस्तुपरक होंगे। अब यहाँ दोस्तों आपसे माध्यमिक लेवल यानी 10वीं स्तर का पूछा जाएगा, तो दोनों में यही डिफरेंस है कि वनपाल के पेपर के अंदर 12वीं लेवल का जीके पूछा जाएगा और 12वीं लेवल की मैथमेटिक्स वगैरह ये सब पूछी जाएगी, और वनरक्षक के पेपर में 10वीं लेवल का पूछा जाएगा। बस इतना सा फर्क है, आप तैयारी करोगे तो आपकी साथ में तैयारी हो जाएगी वनरक्षक की भी और वनपाल की भी। जिन लोगों ने दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है कि इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, बस क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो थोड़ा अच्छा होगा वनपाल में वनरक्षक की बजाय। तो आप अभी से तैयारी में जुट जाइए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा बताया हुआ है आप लोगों को, मैंने 2-3 पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, 5 गुना मैंने आपको बता दिया है, फिर शारीरिक दक्षता के लिए भी मैंने आपको बता दिया है। इसमें देखो एक पॉइंट रह गया, ये बता देता हूँ, शारीरिक उपयुक्तता और शारीरिक दक्षता परीक्षण ट्रेड परीक्षण के लिए संक्षिप्त सूची में रखे गए अनारक्षित प्रवर्ग के अंतिम अभ्यर्थी से अधिक या उसके समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को, चाहे वे किसी भी प्रवर्ग के हो, ऐसे प्रशिक्षण के लिए संक्षिप्त सूची में रखा जाएगा। अब ये जो रिजल्ट को लेकर बार बार डिस्प्यूट हो रहा है, इसके ऊपर कुछ क्लेरिफिकेशन ये दिया है आप लोगों को, ये बाद की बातें हैं सारी, जब आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, एग्जाम क्रैक कर लोगे उसके बाद की बातें हैं। तो आपको अभी तो अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है, तैयारी पे फोकस करना है, और लग जाइए वनरक्षक वनपाल का एग्जाम भी बहुत जल्दी आपको डेट देखने को मिलेगी। मैंने आपको बताया है कि एग्जाम अभी तो नहीं होगा पहले, क्योंकि राजस्थान ये जो आपका पटवार का एग्जाम होगा, फिर 2-3 एग्जाम और पेंडिंग है, वो एग्जाम होंगे, उसके बाद ही राजस्थान वनरक्षक वनपाल का एग्जाम होगा। लेकिन आपके पास में मानकर चलिए 3 महीने तक का समय आपके पास में है, आप टेंशन मत लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, और ज़्यादा फोकस करना है आपको 10वीं और 12वीं लेवल की जो बुक्स है, 6 to 12, 6 to 10th, आपको पहले उनको अच्छे से तैयार करना है, और हम इन बुक्स का जो सार संग्रह है वो आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो ज़रूर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा अगर आपको टॉपिक वाइज सिलेबस चाहिए तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो ये था दोस्तों वीडियो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट।